सर कैसे हो आप सब। स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। और गैस आज की इस वीडियो के अंदर आपको बताने वाला हूँ कि आप किस तरीके से एक अच्छा सा पीक कर सकते हो, यानी कि आप एक स्मॉल पीक करके अपने एनिमीज़ को फिनिश कर सकते हो, या फिर बोले तो आप क्लोज रेंज में बिना स्कोप ओपन किए पीक करके एनिमीज़ को ईजिली मार सकते हो। तो इस वीडियो में हम इसी के बारे में बात करने वाले हैं। बट गैस सबसे पहले हम यहाँ पर बात करते हैं एक होने वाले प्रॉब्लम के बारे में, जो कि गैस बहुत बार होता है जब भी आप एक कवर के पास में पीक करते हो, जब भी आपका एनिमी सामने से आ रहा होता है। तो इस तरीके जब भी आप कवर में चिपक के पिक करते हो तो गाइस यहाँ पर आपका जो कैरेक्टर थोड़ा सा ग्लिच हो जाता है और आपका यहाँ पर कभी स्कोप ऊपर नहीं हो पाता, या फिर कभी आप इजीली यहाँ पर मर जाते हो इस तरीके से। तो फिर आपको ध्यान देना, जब भी आप किसी कवर के पास खड़े हो और यहाँ पर आप टीवी ले रहे हो तो गाइस आपको थोड़ा सा दूर रहना है, 1 से 2 मीटर आपको वहाँ से दूर रहना है, ताकि आपका कैरेक्टर और गन बिल्कुल भी ग्लिच ना हो और आप इजीली यहाँ से पिक करके एनिमीज़ को मार सको। तो ये जो पॉइंट है ना, वो बहुत ही सिंपल सा पॉइंट है, बल्कि काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल पॉइंट है। आप इसको यूज़ करके काफ़ी ज़्यादा आप एक यूज़फुल इसको मान सकते हो। तो अब हम बात करते हैं अपने एक और पॉइंट के बारे में, जो कि है पीक विदाउट स्कोप। अब गाइस ये जो पीक विदाउट स्कोप है ना, वो गाइस काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल है क्लोज रेंज में। जब भी आपके ऊपर सामने से कोई एनिमी पुश करता है और आप कवर में होते हो, तो आप इसका इस्तेमाल करके गाइस काफ़ी ईजिली एनिमीज़ को मार सकते हो। तो इसके अंदर करना कुछ नहीं होता, बस आपको अपना जो क्रॉसर होता है उसको एनिमी के हेड पे ले जाना है। बट गाइस आपको जल्दी से बिना स्कोप ओपन किए अपना जो क्रॉसर होता है उसको ले जाना और अपना जो जॉयस्टिक होता है उसको कवर की तरफ खींचना है। अब देखो जैसे एग्जांपल क्या बता देता हूँ यहाँ पर, जैसे ही आपके सामने कोई एनिमी आ रहा है तो गाइस उस पर आप फायर करो और अपना जॉयस्टिक लेफ्ट की तरफ खींच लो, यानी कि जहाँ पर भी आपका कवर हो राइट या फिर लेफ्ट उस तरफ अपना जो जॉयस्टिक उसको खींच लो फायर करते ही। अब यहाँ पर जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल भी दिखा दूंगा, बट गाइस यहाँ पर थोड़ा सा आप यहाँ पर समझ लो पहले करना क्या होता है। आपको जैसे कोई एनिमी आ रहा है उसको आपको इस तरीके से पीक करना है, बट यहाँ पर आपको ध्यान देना, आपको स्कोप ओपन नहीं करना, बस पीक करना है आपको और अपना जो क्रॉसर है वो एनिमी के ऊपर लेके जाना है और पीक करते आपको इस तरीके से फायर करना है। जैसे कि आप यहाँ पर एग्जांपल देख लो, मैं यहाँ पर कवर के पास था, बट गाइस यहाँ सामने से एक एनिमी आ गया और इसको मैंने पीक करते हुए मारा। बट गाइस यहाँ पर ध्यान दिया होगा आपने, मैं यहाँ पर स्कोप ओपन नहीं किया बिल्कुल भी, बस मैंने अपना पीक यूज़ किया। बट यहाँ पर एक स्लोमो में आप देख लो, यहाँ पर मैंने एक्चुअली किया क्या था, मैं यहाँ पर जैसे ही एनिमी सामने आया मैं अपना क्रॉसर उसके ऊपर ले गया और उसको थोड़ा सा कंफ्यूज किया। इस तरीके से देखो गाइस मैं यहाँ पर पीक करता रहा और अपने कवर की तरफ अपना जॉयस्टिक खींचता रहा, तो इस तरीके से मैं कवर में भी आ गया और गाइस जो एनिमी था उसको भी सारे बुलेट्स लग गई। तो ये जो ऑप्शन है गाइस काफ़ी ज़्यादा आपके लिए यूज़फुल हो सकता है। अगर आप किसी भी एनिमी के सामने पीक करते हो बिना स्कोप ओपन किए तो आप इजीली उस एनिमी को मार सकते हो। बट यहाँ पे आपको थोड़ा सा प्रैक्टिस करना पड़ेगा इस तरीके से आके यहाँ पर, ताकि आप बिल्कुल भी यहाँ पर गलती ना करो। अब यहाँ पे एक और गलती आप में से कई लोग करते हो ना, कि इस तरीके से यहाँ पर आते हो अपना जो स्कोप होता है ना वो इस तरीके से पूरा विजिबल कर देते हो। जब भी आप किसी एनिमी के ऊपर इस तरीके से स्कोप करते हो तो आप जो रेड डॉट होता है या फिर जो भी आप स्कोप यूज़ कर रहे हो उसका बस आपको डॉट दिखाना है बाहर की तरफ, यानी कि जो भी एनिमी है उसको आपको बस उसको डॉट दिखना चाहिए, यानी कि आपका डॉट जब बस एनिमी के ऊपर जाना चाहिए। अगर आप अपना पूरा स्कोप ओपन कर लोगे बाहर की तरफ तो आप भी वहाँ पर विजिबल हो जाते हो और इजीली आपको एनिमी मार सकता है। अब जैसे कि यहाँ पर एग्जांपल देख लो, यहाँ पर मैंने अपना स्कोप ज़्यादा बाहर नहीं निकाला था, यहाँ पर बस मैंने अपना जो रेड डॉट का जो डॉट होता है वही एनिमी के ऊपर लेके गया था और इजीली एनिमी को वहाँ पर मार दिया। तो इस तरीके से आप जो अपना रेड डॉट है उसका यूज़ करके आप इजीली एनिमीज़ को मार सकते हो। तो ये भी काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल होता है गाइस, आप इस तरीके से इन ट्रिक्स का इस्तेमाल करके ना इजीली आप थोड़ा सा पीक सुधार सकते हो। अब गाइस आई होप आपको वीडियो सही लगा होगा। आई नो वीडियो काफ़ी ज़्यादा लेट है और गाइस मेरे को भी ऐसा लग रहा है कि वीडियो में काफ़ी कमी रह गई है, क्योंकि गाइस मैं इस तरीके का जो टॉपिक है ना वो बहुत दिनों बाद कवर कर रहा हूँ और मेरे को बहुत इस तरीके की एडिटिंग छूट चुकी थी मेरे से। बट मैं अब ट्राई करूँगा कि ये जो टॉपिक को दोबारा कवर करूँ और इसका एक सीरीज स्टार्ट करूँगा मैं, यानी कि सेंसिटिविटी से लेकर कंट्रोल तक का सभी मैं वीडियो बनाने वाला हूँ। तो आई होप गाइस वीडियो पसंद आए आपको और वीडियो से लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें बिना मत जाना, और अगर चैनल पर नहीं हो तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लेना। आपसे मिलता हूँ किसी और नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।